Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्लूटो हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल का सबसे दूर दराज का और सबसे ठंडा ग्रह है। प्लूटो को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड विलियम टॉम्बो ने सन 1930 में खोज निकाला था और तब से ही प्लूटो हमारे सौरमंडल का नवा ग्रह के रूप में शामिल हो गया। लेकिन सन 2006 में प्लूटो को हमारे सौरमंडल से बेदखल कर दिया गया। प्लूटो को हमारी सौरमंडल की लिस्ट से किसने और क्यों हटाया उसके बारे में अभी भी बहस ही चल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि हटाना चाहिए और कुछ का मानना है कि प्लूटो को नहीं हटाना चाहिए था। आप इस बारे में आपका क्या राय है हमारा कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन पहले आप इस बात पर जरा गौर फरमाएं कि आखिर प्लूटो को क्यों हटाया गया और फिर आप भी अपना निर्णय और अपने थॉट्स को कमेंट में लिखें। तो दरअसल हुआ यूं कि 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की चेक गणराज्य की राजधानी पारागो में एक मीटिंग हुई जहां पर ऑफिशियली सौरमंडल के ग्रह प्लूटो को नौवे स्थान से हटा दिया गया। अब यहां पर तो कुछ वैज्ञानिकों ने जो करना था वो कर दिया, प्लूटो हटाना था हटा ही दिया। लेकिन जब ये खबर बाकी वैज्ञानिकों को पता चली तो दुनिया के कोई वैज्ञानिकों ने इस फैसले को आलोचना भी किया कि बिना किसी वजह से प्लूटो को हटाना सही नहीं है। वैज्ञानिकों की इस खिलाफत का एक कारण तो ये था कि IAU में दुनिया भर के लगभग 2000 वैज्ञानिक शामिल थे, लेकिन चेक रिपब्लिक ने जब प्लूटो को सौरमंडल से ग्रह की लिस्ट से बेदखल किया गया तो मात्र 4% वैज्ञानिक ही इस फैसले के साथ थे। यानी करीब 400 वैज्ञानिक ऐसे थे जो हटाना चाहते थे और बाकी के 9600 वैज्ञानिक ऐसे थे जो इस फैसले से सहमत नहीं थे। फिर भी साइंटिस्ट इतने छोटे से पैनल ने यह निर्णय ले लिया जिसको दुनिया के कोई वैज्ञानिक और कोई संगठन अवमान्य घोषित कर चुके हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रह के होने की और उनकी पहचान के लिए भी कुछ सिद्धांत तय किए गए हैं, जिनको आधार मानकर हम ये तय कर सकते हैं कि वो ग्रह है, उपग्रह है या और कोई पिंड। लेकिन प्लूटो को एक ग्रह होने के लिए उसके पास काफी प्रमाण थे, फिर भी उसे ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया। आइए एक नजर डालती है इस पर। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल का ग्रह उसे ही माना जा सकता है जो अवकाशी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते वक्त अपने रास्ते में आने वाले छोटे बड़े लघु ग्रह उल्का और अवकाशी पिंडों को अपनी गुरुत्वीय शक्ति से अपनी ओर खींच ले और अपनी सूर्य की परिक्रमा का रास्ता एकदम साफ सुथरा रखे। और प्लूटो इस नियम का पर खरा नहीं उतर पाया, इसीलिए उसको ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया। इस फैसले के विरोधकर्ताओं का कहना है कि सौरमंडल के जिस विरान स्थान पर प्लूटो स्थित है उस अवकाश में कोई भी छोटा बड़ा उल्का पिंड अवकाशी पिंड मौजूद नहीं है। तो इस स्थिति में तो हमारा पृथ्वी भी वहाँ रहती तो किसी भी अवकाशी पिंड को अपनी और नहीं खींच पाती, तो क्या हमारा पृथ्वी को ग्रह नहीं माना जाता। खैर आगे बढ़ते है और वैज्ञानिकों को दूसरी व्याख्या जानती है जिससे किसी अवकाशी पिंड को ग्रह माना जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कि अवकाशी पिंड गोल हो और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं तो उसे ग्रह माना जा सकता है। लेकिन इस तरह तो हमारा चंद्र भी गोल है और पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और इतना ही नहीं, इससे बड़ा तो बृहस्पति उपग्रह जो कि गैनीमेड है जो चांद से कोई गुना अधिक बड़ा है वह भी गोल है और बृहस्पति के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और इतना ही नहीं, एरिस खगोलीय पिंड भी गोल है और बाकी ग्रह की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इस तरह तो ये सारे भी ग्रह में शामिल होने चाहिए, मगर इन नियमों के अनुसार तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की व्याख्या में अधूरापन लगता है। इसीलिए अब तक ये गुंथी उलझी हुई है और ये मामला पेचीदा होती जा रही है। और प्लूटो को फिर से ग्रह में शामिल करवाने वाले की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके पास प्लूटो को ग्रह साबित करने के लिए कोई सारी दलील भी है। बिना किसी रीजन के कुछ वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह को सौरमंडल की लिस्ट से बेदखल कर दिया। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी कीमती राय हमारे बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करना, इसी टाइप के इंटरेस्टिंग और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।